बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। आज है 21 दिसंबर 2023 की प्यारे बाप दादा की साकार मधुर मुरली। आज की मुरली के सार में बाबा ने बिगर टू प्रिंस बनने के लिए कहा। बाबा कहते हैं, इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, बेगर हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और कहा, राजा जनक मिसल गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी करना है, अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो, फॉलो ब्रह्मा बाबा। उन्होंने अपना सब कुछ शिव बाबा को दिया और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। और कहा, बाबा कहते हैं, यहाँ बहुत परहेज रखनी है, यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाबा बच्चों से पूछते हैं, यहाँ कोई शराब तो नहीं पीते है ना, भगवान के आगे सच बोलना है। फिर विशेष कहा कि छोटे बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी है, मार नहीं देनी है, भोजन बंद करना, मिठाई न देना, ऐसे सुधारना है, थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी है, सो भी महात्मा पर क्रोध नहीं करना है। फिर कहा, अगर कोई भूल होती है तो बाबा से कहना है, बाबा हमसे यह भूल हुई है, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना। और कहा, कदम कदम पर राय पूछना है, तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है, इसलिए व्यर्थ नहीं गवाना है। और कहा, अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तब ही खुशी में रहेंगे। और कहा, धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक दो पैसा निकालते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मन मना भव हो जाओ, तो मम्मा के समान तीखे चले जाएंगे। और कहा, पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, बच्चों को दुखी नहीं करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है, बेगर ही प्रिंस बनेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर में बाबा ने कहा, यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, यह विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, यह ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ, कल्प पहले भी वही हुआ था, पुराना शरीर है, इसे चत्तियां लगनी ही है, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। आज मुरली में गीत बजा, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। उन राहों पर चलना है, कौन सी राह है? राह कौन बताते हैं? बच्चे जानते हैं कि हम किसकी राय पर चल रहे हैं। राय कहो, राह कहो वा श्रीमत कहो, बात एक ही है, अब श्रीमत पर चलना है। लेकिन श्रीमत किसकी? लिखा हुआ है श्रीमत भगवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अभी तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? बाबा कहे, अभी तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहाँ वैकुंठ में याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? फिर बाबा ज्ञान युक्त प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम श्री कृष्ण को याद करते हो व नहीं, वर्षे के रूप में याद करते हो? बाबा कहे, तुम बच्चे वर्षे के रूप में श्री कृष्ण को याद करते हो, यह तो जानते हो हम प्रिंस बनेंगे, ऐसे तो नहीं जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है, श्री कृष्ण भगवान वाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे, उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में, तो मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण कह न सके, मध्याजी भव कह सकते हैं, मुझे याद करो, वह तो वैकुंठ में ठहरा, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं, बच्चे यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं,
सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर, गीता भारत का धर्म शास्त्र है। वास्तव में यह सभी का शास्त्र है। इसलिए कहा जाता है ना, गीता है सर्व शास्त्रों का माई बाप। कहा भी जाता है श्रीमत सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी। सभी से उत्तम है श्री बाबा, श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान श्री श्री, अर्थात सभी से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का नाम बाला है। श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को कहेंगे जो अभी नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? पापा पूछ रहे हैं, आजकल की दुनिया में श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो कह नहीं सकते। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अभी तुमको ऊंचे से ऊंच परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा, फिर उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचे से ऊंच है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। जैसे ऊंचे से ऊंच प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता हैं। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं, सृष्टि कैसे रची? इसलिए यह जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता हैं। वास्तव में रचयिता के बजाय रचने वाला कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा देवी कुल की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? देवी संप्रदाय की। शिव बाबा कहते हैं, अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा अभी वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। मनुष्य बहुत मुंझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, बर्थ कंट्रोल हो। बाप कहते हैं, मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ तो है ही तमोप्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते, झाड़ वृद्धि को पाना ही है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर न सके। सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची बस। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया भी हुआ है, अतिंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यहाँ जब तुम सन्मुख सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधे धोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता है, क्योंकि सन्मुख बाबा के वाइब्रेशंस मिलते हैं, बाबा की शक्ति मिलती है। बाहर जाने से फिर बाहर का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते हैं, फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था। तुम कहते हो वैकुंठनाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। कृष्ण तो सभी का प्यारा सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य न समझने के कारण कह देते हैं, तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए नास्तिक हो, फिर विघ्न डालते हैं। अविनाशी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, कन्याओं माताओं पर भी विघ्न आते हैं। बांधेलिया कितना सहन करती है, तो समझाना चाहिए। ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ऐसा ही है, विघ्न पड़ गया, फिर यह ख्याल नहीं चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं, विघ्न व परिस्थिति आने के बाद हम यह भाषा नहीं बोल सकते हैं। ड्रामा अनुसार यह किया, कल्प पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई थी, पुराने शरीर को चत्तिया भी लगनी ही है, अंत तक मरम्मत होती रहेंगी। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है, मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत नहीं रही। ताकत न होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगता है। माया कमजोर को बहुत दुख देंगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर कर दिया, अब फिर उन पर जीत पाते हैं। तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है।
भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया है, जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बेगर बनना है, फिर बेगर से प्रिंस। बाबा कहते हैं इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ भी है नहीं सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो तुमको बहुत बेगर बनना है, अर्थात बाबा कहते हैं सब कुछ भूलना है, सबसे न्यारा होना है। युक्तियां भी बताते रहते हैं, जनक का मिसाल गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है, बाप समझाते हैं बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर, तुम्हारे सामने यह ब्रह्मा दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़े ही बैठ संभालेंगे, यह अपने पर थोड़े ही बलि चढ़ेगा, उनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माताओं को ही आगे करना है। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए, लक्ष्मी को नहीं दिया है। इस समय यह है जगत अम्बा, सतयुग में होंगी लक्ष्मी। जगत अम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है, उनकी बहुत मान्यता है। वह सौभाग्य विधाता कैसे हैं? उनको धन कहाँ से मिलता है? क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से? नहीं, ज्ञान धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। यह बड़ी गुप्त बातें है ना, भगवान वाच हैं सबके लिए। भगवान तो सबका है ना, सब धर्म वालों को कहते हैं माम एकम याद करो। बल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। वह हुई भक्ति, अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलवेड फादर, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सतयुग का प्रिंस कहेंगे। वल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु यह ख्याल नहीं करते कि वह सतयुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अब जानते हो। बरोबर, हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को भरेंगे ना। यह नॉलेज है ही भविष्य के लिए, इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वह वर्षा देते हैं, वर्षा बाप से मिलता है। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्हों को ही यह शिक्षा मिलती है। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। वह सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। यह बातें कहीं है नहीं, यह नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। लॉ नहीं कहता इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकते, थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में जाएंगे। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे, भल घर में बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जबकि योग में रहे, पवित्र रहे। पवित्रता बिगर योग लगेगा नहीं, माया लगने नहीं देंगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा, जो विकार में जाते रहते हैं, कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, यह तो अपने दिल खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो, यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं, तुम हो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो विकार की बात नहीं, यहाँ तो विष पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है, यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाबा पूछ रहे हैं यहाँ तो ऐसे कोई बच्चे नहीं होंगे ना। बाबा बच्चों से पूछते हैं अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी, भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। अगर कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से पीते हैं, बाबा फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे किसी भी कारण से शराब लेते हैं तो कोई ने हाथ नहीं उठाया। बाबा कहे यहाँ सच जरूर बोलना है,
कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से यह भूल हुई है, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी हैं, आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। दिखलाते हैं कृष्ण को ओखरी से बांधा, अर्थात पिल्लर से बांधा, यह तो सब झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए, भोजन बंद करना, मिठाई न देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है, सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं, छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए, हमने यह विकर्म किया, अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। तोबा करते हैं ना, अर्थात प्रॉमिस करते हैं कभी नहीं करेंगे। वहाँ भी धर्मराजपुरी में धर्मराज सजा देते हैं तो तोबा तोबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलना, कदम कदम पर राय पूछना, तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य करते हैं, मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो क्या मिलता है, कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा, यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है, इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वालों की होती नहीं, कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है। तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे तभी खुशी में रहेंगे, कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़े ही गरीब होंगे कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं, ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत हैं, सब कहे हमको मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाए, यह भी कायदा नहीं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रह नहीं सकते, धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक दो पैसा निकालते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मन मनाभाव हो जाओ, तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वह ज्ञान में भी दिखी है, तन मन से सेवा कर रही है, इसमें पैसे की बात नहीं, बहुत बहुत करके एक रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ तो किसी न किसी विधि से सेवा करनी है, चाहे तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे धन से करे, अगर गरीब मम्मा के समान तन मन से सेवा अच्छी करेंगे, एक पैसा भी लगाएंगे तो साहूकार के समान मिल सकता है, पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी ना हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम सलाम मालेकम, जय 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 हो तेरी, ओम शांति। रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले, तोबा तोबा पश्चाताप करना पड़े, झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है, ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, सब प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, सब प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। स्पष्टीकरण है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न ना हो कि यह ऐसा क्यों करता व क्यों कहता, यह बातें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित रहते हैं, लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते
रचना रच लेते तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती। इसलिए व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। बाबा ने सदा प्रसन्नचित रहने की विधि बताई। बाबा कहे, सदा प्रसन्नचित वही रह सकते हैं जो कभी भी क्यों क्या की क्यों में ना जाए। आज का स्लोगन है, अपने नैनों में बिंदु बाप को समा लो तो और कोई समा नहीं सकता। अपने नैनों में बिंदु बाप को समा लो तो और कोई समा नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।